का मोटिवेशन सबसे पहले, यू आर बॉर्न टू विन बट टू बी ए विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। बहुत शानदार बात है साथियों, हम सभी लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये तो सही बात है, लेकिन जीतने की तैयारी कितने लोगों ने करी, जीतने का सपना कितनों ने सोचा। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, आज बैठ करके अपने साथ कुछ बुनियादी प्रश्न करिएगा, कुछ बेसिक प्रश्न है जिन्हें आप अपने आप से पूछने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर एक, आप में से कितने लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से कौन से अधिकारी बनेंगे, इस बारे में आप उन अधिकारियों से बात कर चुके हैं जो वर्तमान में पदों पर बैठे हैं। देखिए बहुत बेसिक बेसिक से प्रश्न हैं, आज कुछ 5 प्रकार के प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इन प्रश्नों का ना सेल्फ असेसमेंट करिए और आप खुद से सोचिए कि आप कितने सिंसियर स्टूडेंट हैं, है ना। कुछ चलते हैं, बुनियादी प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी जगह जहां मिले। पॉइंट नंबर 1, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप किसी यूपीएससी क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर से पर्सनली मिले हैं? पॉइंट नंबर 1, आपको आईएएस ऑफिसर से मिलकर के उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकर कैसा लगा, वो पॉइंट नंबर 1 में पूछ कर देखिएगा कैसा था, ये खुद खुद से सवाल करिए। नंबर 2, क्या आपने प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस देखा है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? बहुत जस्ट, मतलब अपने आप के साथ जितना ज्यादा सच्चे रहेंगे आप, जितना आप जेन्युइन तरीके से अपने आप से ईमानदारी से बात करेंगे, वो आपके लिए उतना ही कारगर होगा। नंबर 2, क्या आपने प्रॉपर सिलेबस देखा है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे खूब देखा है सर सिलेबस। साथियों यहां सिलेबस देखने का मतलब होता है कि क्या आपको पता है कि आपके सिलेबस में कौन सी चीज तो आती है और कौन सी नहीं आती है। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि सिलेबस में सब लिखा हुआ है। क्या आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है वास्तविकता में? यह सवाल तो मुझे थोड़ा आगे जो 5वें नंबर पर पहुंचूंगा तो और ज्यादा डिराइव करके बताना है। दूसरा सवाल, क्या आपने सिलेबस देखा? नंबर 3, बेसिक प्रश्न, क्या आपने जो भी पढ़ा उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं? आप तैयारी में उतरे लेकिन क्या आपने देखा कि किस तरह के प्रश्न उस परीक्षा में पूछे जाते हैं? एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है ये। नंबर 4, क्या आपको लगता है कि आपका सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कुछ बेसिक सवाल हैं। यदि कोई विद्यार्थी इन प्रश्नों को बोर्ड पर लिख करके रख ले, अपने सामने बना करके रख ले, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सफलता से कोई दूर ले जा सकता है। कोई ताकत ही नहीं है दुनिया की जो उसे सफलता से दूर ले जाए, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आपने जो सिलेबस कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, वो आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन? रिवीजन का अर्थ है कि एग्जाम जब है उससे 2 महीने पहले आपको पूरा सब्जेक्ट आता होगा और आप रिवाइज करने के लिए तैयार होंगे। और आखिरी प्रश्न सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है और वो ये है कि क्या आपको सिलेबस टिप्स पे याद है क्या? आप पूछेंगे कौन भला सिलेबस टिप्स पे याद करता है? विनर्स करते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सिलेबस टिप्स पे याद होता है। आप पूछेंगे ये कोई पेपर में पूछा जाता है क्या? जनाब पेपर ही वहीं से पूछा जाता है। अब आप देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी तैयारी टिप्स का मतलब है कि आपको पता है कि ये आता है ये नहीं आता, अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी में तैयार हैं तो ये है आपका विनर एटीट्यूड। यही वो एटीट्यूड है जो आपको सफलता दिलाएगा। अपने आप के साथ आज बैठ करके इसका संजीदा तरीके से एनालिसिस करिए। आपको अगर एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने पर आप अपने आप को 100 में से 100 नंबर देते हैं तो मुझसे आज ही लिखवा लीजिए कि आप सफल होंगे। वो बात दूसरी है कि परीक्षा के समय कोई आपके साथ आपदा ना आ जाए, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पूछा जाए तो ये सफल वाले का एटीट्यूड है। डन।